इनके फैमिली, जब मैं इनके साथ काम करता हूँ मेरे काम में भी निखार आता है क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन मेरे लिस्ट को उठाती हैं ऊपर। और मुझे लगता है कि जो ये पिक्चर के गीत बने हैं, जयदेव कुमार जी के अलावा मैं ये पिक्चर के गीत नहीं बना सकता था किसी के साथ। हाँ जी, सॉरी सॉरी प्लीज, हो गया कुमार साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सब सिंगर्स का, और कोरियोग्राफी सर कमाल की है, बहुत अच्छी। ये गाने जो म्यूजिक दिए हैं जयदेव जी ने, ये कमाल के हैं। उसमें कुमार जी जुड़ गए तो चार चांद लग गए, लेकिन बिना अरविंद ठाकुर के ये गाने मतलब ना इतने अच्छे दिख सकते, ना इतने अच्छे दर्शा सके हम लोग पब्लिक को। तो आई वुड लाइक अरविंद ठाकुर जी, हमारे जो कोरियोग्राफर है, हम यहाँ पे प्लीज आइए। सुपर्ब कोरियोग्राफी, एंड अगेन आई विल से इस साल के बाकी सब गानों से अच्छा था। और अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम जयदेव सर की म्यूजिक टीम से मिलने से पहले, राज सर माइक आपके पास ही आप ले लें अगर वापस, जो नए चेहरे आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस मूवी में, चलिए जरा उनसे भी मीडिया की मुलाकात करा दें, क्या कहते हैं आप? डन। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहन मदान एवरीवन। मदान राज सर, इससे पहले कि मोहित कुछ कहें, आप इनके बारे में कुछ बताइए, कहां मिले आपको? मोहित और मेरी मुलाकात, जैसे डायरेक्टर और एक्टर की मुलाकात हमेशा प्रोड्यूसर के ऑफिस में होती है, तो मेरी और मोहित की मुलाकात एक प्रोड्यूसर के ऑफिस में हुई थी जी। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट उस प्रोड्यूसर को नरेट की थी तो उस प्रोड्यूसर को बहुत पसंद आई थी, और उस प्रोड्यूसर ने ऑलरेडी मोहित को माइंड में रखा था कि मोहित को कास्ट करना है एज अ हीरो। तो कुछ महीनों के बाद, एज यूजुअल जैसे बॉलीवुड में होता है, सिर्फ मैं डायरेक्टर और एक्टर मोहित और हमारी स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी बाय माधुरी वैद्य, रिटन द स्टोरी, शी इज इन एम्स्टरडम राइट नाउ बट शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस लॉन्च टुडे। और तो मोहित और मैं सोचने लगे कि भाई डायरेक्टर तो है, स्क्रिप्ट है, एक्टर भी है, अब क्या करें। तो मैंने कहा कि अब वही करना है जो सब लोग करते हैं, प्रोड्यूसर ढूंढना पड़ेगा। तो मोहित ने कुछ यहाँ वहाँ कुछ कोशिश की और उसने कहा कि मेरी एक दोस्त है दुबई में जो फिल्म बनाना चाहती है, जो बॉलीवुड में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो मैंने मोहित को बोला कि हम लोग को दुबई जाना पड़ेगा कि वो इधर आ रही है। तो उसने कहा नहीं, थोड़ा काम सिंपल है, वो इधर आ रही है। तो देन वी मेट नाडिया जी, और फिर मैंने नाडिया को स्क्रिप्ट नरेट किया। फॉर्चुनेटली नाडिया को पसंद आई स्क्रिप्ट, और रेस्ट इज हिस्ट्री। I think मोहित मदान का इस पिक्चर को सबसे ज्यादा हक है। हाँ, anybody else, I think it's thanks to him. इसका नाम ऊपर लिखा जाना चाहिए, above winds of entertainment के ऊपर भी। तो thank you for getting the producer to India. Now thank you for making a beautiful film. मोहित डेब्यू कर रहे हैं बड़े पर्दे पर, पहली बार नजर आएंगे, कितने डरे हुए हैं on a scale of 1 to 10, कितने nervous, कितने excited? 11. अगर टीम अच्छी नहीं होती ना, देन आपको पता है कैसे प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू आर डायरेक्टर मिस्टर राज शेट्टी, आवर प्रोड्यूसर मिस नादिया फॉर ट्रस्टिंग मी एंड देन ट्रस्टिंग अस। फैंटास्टिक, एंड beautiful team, music, choreography, everything was superb from the first day till today. And ek hi request hai, support karo yaar, film industry se nahi hu main, so ek newcomer from outside, as much support as we can get for all our team, thank you so much. I just want to add one or two lines in this. जब हम ये स्क्रिप्ट डिस्कस कर रहे थे तो मोहित ने बोला कि क्या मुझे इसके लिए क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, मतलब मुझे जिम जाना पड़ेगा, बाइक सीखना पड़ेगा या कुछ स्टंट सीखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ये ना तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत है, ना बाइक सीखने की ज़रूरत है, और ना मार्शल आर्ट सीखने की ज़रूरत है, एक्टिंग कर लो।
और जो दूसरा नया चेहरा जैसे आपने एक्टिंग कराई है, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द वाइवेशियस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, ज्योति शर्मा जी. भर के डांस किया है ज्योति आपने मूवी में, जी भर के नाचा है. सिर्फ नाचा नहीं है, इनकी एक और खूबी है ज्योति शर्मा की के मुझे पता नहीं कितने लोगों ने शोले देखे. सबने देखे सर शोले. अच्छा, तो फिर बसंती को जानते ही होंगे आप लोग. ठीक है, अभी मैं माइक इनको दूंगा, पता नहीं मुझे वापस कब मिलेगा. ज्योति ज्योति ज्योति, आप आपकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई लव एक्सचेंज में, आप राज से कहां मिली, कैसे मिली, वेयर डिड दिस स्टार्ट फॉर यू? जैसे अभी सर ने कहा कि प्रोड्यूसर के ऑफिस में मुलाकात हुई हमारी जी, एंड थ्रू माय मैनेजर आई मेट राज सर, एंड द मोमेंट आई मेट हिम, मोहित, नादिया, आई वाज इन लव विद दीस थ्री पीपल. दे आर जस्ट अमेजिंग. मतलब स्क्रिप्ट ठीक है सुना, लेकिन उससे पहले इनसे ही प्यार होगा कि हाँ ठीक है, आप इनके साथ काम करना ही करना है. सो यस, लेटर फिर सर ने मुझे नरेट किया कि क्या स्क्रिप्ट है, एंड आई लव्ड इट. I just loved it. So it was like that. और ये बताइए इस बात में कितनी सच्चाई है जो सर अभी आप पे उंगली उठा रहे हैं कि माइक दे दिया से वापस कब मिलेगा मुझको? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो मुझे वापस अभी बस 30 सेकंड तो हुए सर बेचारे को. नारिया has something to say. कि अभी माइक वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है इस बात के ऊपर. बट जोक्स अपार्ट, मोहित और ज्योति की एक बहुत खास बात है जो हर न्यू कमर को सीखनी चाहिए कि जिस तरह की स्क्रिप्ट थी और जिस तरह डायरेक्टर उसे दर्शाना चाहता था, ये लोग बिल्कुल उस पर खरे उतरे हैं. क्योंकि दैट क्रेडिट गोज टू बोथ मोहित एंड ज्योति, क्योंकि जिस तरह मैंने उनको नरेट किया और जिस तरह के कैरेक्टर में चाहता था कि इस तरह उसे शेप अप होना चाहिए, दे वर फैंटास्टिक स्टूडेंट्स. उन्होंने अपनी ज़्यादा अपना एंगल, अपना इनपुट, या मतलब जो भी वो एक्टिंग क्लास से सीख के आए हैं वो सब उन्होंने सेट के बाहर ही रखा और अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से मतलब उसको निभाया. सिद्धार्थ साठे, ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, मोहित इज हैज बीन ब्रॉट अप इन न्यूजीलैंड. तो सिद्धार्थ साठे जो मुंबईकर है, उसका रोल उसने इतनी अच्छी तरह से निभाया है कि जब आप देखोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये मुंबई का नहीं है. दैट्स अ ग्रेट ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू हिम. एंड या आई एम टॉकिंग अबाउट यू आल्सो, डोंट वरी. यस यस, आई एम गेटिंग देयर. ज्योति शर्मा के बारे में शायद ये शाम कम पड़ेगी उसके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि वो जैसे ही सुबह आती थी, शी वॉज लाइक ऑफ फ्रेश ऑफ breath of fresh air. As soon as she came on the set, she'll wish everyone.